Hello student, welcome to BDSK online classes. I study class 10th topic arithmetic progression. Students के previous video में हम लोगों ने arithmetic progression के nth term को निकालना यानी nth term की problem को solve किया था. ठीक है, इसमें हमें arithmetic progression जो होता है वो हमारा होता है a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, so on. इसमें a जो है first term है, d जो है common difference है. ठीक है, और common difference का formula होता है ending term यानी minus preceding term. यानी कोई भी पद लेते हैं तो उसके पहले का पद लेकर के उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एन एंड टर्म तक हम लोगों ने आज सीख लिया, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने सीखा है. आज हम क्या करेंगे, सम ऑफ एन एंड टर्म सीखेंगे, यानी किसी भी ए बी सीरीज का सम ऑफ एन एंड टर्म क्या होता है. तो मैंने आपको पहले बताया ए ए प्लस बी ए प्लस टू डी ए प्लस, ये हमारा जो है लास्ट टर्म में आ जाता है. ये हमारा क्या है, आदि है, ये हमारा ए बी सी. ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट टर्म अगर निकालें तो ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, ये फर्स्ट टर्म है. कॉमन डिफरेंस की बात करें तो डी इज इक्वल टू स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है. और लास्ट टर्म की बात करें तो ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म एन. ठीक है, तो हमारे पास दो फार्मूले फाइंड होते हैं. पहला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, वेयर ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, एंड एन इज इक्वल टू एन एच टर्म. ठीक है, और नेक्स्ट एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन एंड टर्म. डी इज इक्वल टू कॉमन टू. ये हमारा फार्मूला है किसी भी एपी सीरीज के एन एंड टर्म का, यह फार्मूला है. ठीक है, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज में एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज है 5.3. चलिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12. 2 है, 7 है, 12 है, 10 का निकल रहा सम ऑफ 10 का, तो ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5. ठीक है, 12 माइनस 7 भी 5 होगा. ठीक है, और फिर n इज इक्वल टू 10 का पूछा जा रहा है. चलिए फार्मूला अप्लाई करें, s n इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a n माइनस 1 इनटू फार्मूले में पुट करें s n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 ए 2 इंटू 2 10 माइनस 1 पी की वैल्यू 5. सॉल्व किया जाए 5 2 5 जाए 10 2 2 जाओ 9 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 14 मल्टीप्लाई. Now 5 multiplied 49. 5 multiplied 45. 5 4 is 20.
आउटपुट एंड इनपुट, ये आ गया एनर टर्म, सम ऑफ एनर टर्म ऑफ दिस थिंग्स। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और कहते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट था, थर्ड टर्म ले लो, थर्ड पार्ट है 1.06 1.7 2.8 100 टर्म, कौन सा टर्म इसका निकाला है? 100 टर्म। आइए स्टूडेंट देखिए इसका 100 टर्म कैसे निकालेंगे। इसका फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 0.6, b की बात करें तो यूनिट टर्म माइनस रिसीविंग टर्म, सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आएगा 1.1, ठीक है, n इक्वल टू हमारा 100। फार्मूला का है Sn equal to n upon 2 to a plus n minus 1 into value put करें s 100 100 upon 2 in bracket 2 multiply 0.6 plus 100 minus 1 equal to 1.2. Now solving 100 upon 2. Next step 26 are 12 plus 99. 100 upon 2. 1.2. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 15 ना 0 5 1 बाय 5 0 5 ठीक है 1 डिजिट का डेसिमल यानी आंसर आ गया 5500। नेक्स्ट इसी के प्रॉब्लम और देखते हैं। फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 15 कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15 d इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 नाउ n इज इक्वल टू अरे वन चलिए s n फार्मूला अप्लाई करें n अपॉन 2 2a plus n minus 1 into d value put करें yes 11 upon 2 2 multiply 1 upon 15 plus n 11 minus 1 into 1 upon 16 solve करें s 11 is equal to 11 upon 2, 2 upon 15 plus 10 upon 16. Now s upon 11, 16,
15 मोल जा रहे हैं अब और हो जाए नाउ नेक्स्ट ठीक है तुम्हारे जाए ठीक है थ्री थ्री जा रहा है ना थ्री हो जाए सॉल्व करेंगे 33 अपॉन ठीक है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ डायमीटर ऑफ ए जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द गिवन वैल्यू दिया हुआ 7 क्वेश्चन नंबर 2 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 10 एंड हाफ प्लस 40 प्लस 84 यानी हमें फर्स्ट नंबर पता है a इक्वल टू 7 लास्ट नंबर पता है 84 d पता है 10 हाफ माइनस 7 21 अपॉन 2 7 21 माइनस 40 7 अपॉन 15 ठीक है अब हम इससे क्या करते हैं सबसे पहले l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू b से l की वैल्यू तो l की वैल्यू 84 a की वैल्यू 7 n माइनस 1 इनटू b की वैल्यू 7 अपॉन Now 84 minus 7 is equal to 7 upon 2 n minus 1. 7, 77 multiply 2 upon 7 is equal to n minus 1. 7, 11, 11, 22, n minus 1. Now n is equal to 22 plus 1. Now n is equal to 20. ठीक है अब हम ऐसे का फार्मूला अप्लाई करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए या ए प्लस एन तो यस हमें कौन सा कर निकालना 23 कर निकालना है तो 23 अपॉन टू फ्रॉम ए की वैल्यू से एन और एन की वैल्यू 84 प्लस 23 इज इक्वल टू 23 upon 7 multiply 91 ठीक है 7 on the 7 ठीक है 8 9 13 फिर देखिए सबसे पहले 299 इसका सम Now we are 299. मल्टीप्लाई करेंगे किस टाइम स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा नेक्स्ट है सी का नेक्स्ट पार्ट है एक और देखते हैं ऊपर का पार्ट हमारे पास जो सीरीज है वो है माइनस फाइव प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस लेकर
प्लस का हमारा माइनस 230। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म है माइनस 5, टी होगा माइनस 3 प्लस 5 यानी 2, एल होगा माइनस 230। पहले फार्मूला अप्लाई कर लो, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी माइनस 230 माइनस 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू टू, इसके माइनस 230 प्लस 5 इक्वल टू 2n माइनस 1, ये हो जाएगा 225। माइनस सपोज यहाँ की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव होना चाहिए, तो 225 अपॉन थ्री इक्वल टू एन माइनस माइनस से माइनस माइनस 75 एन माइनस 1 यानी इक्वल टू 75 प्लस 1 यानी इक्वल टू 76। ठीक है, अब इसका एंटर निकालें तो फार्मूला बाय करेंगे यस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 76 अपॉन टू ए की वैल्यू माइनस 5 प्लस एल की वैल्यू माइनस 230। नाउ सॉल्विंग 2 3 6 2 8 16 और माइनस 230 मल्टीप्लाई करेंगे 235 में 30 ही होता है। ऐड करेंगे भी क्या है माइनस 8 9 3 यानी 8930 ये इसका आंसर हुआ। इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने आज के प्रॉब्लम में सम ऑफ ए पीस यानी सम ऑफ एन एक्टर का ए पी का पीस ठीक। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 की प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।